Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 22. So पिछले तीन वीडियोस में हमने exploratory data analysis करना सीखा. हमने पहले वीडियो में basic questions पूछना शुरू किया. Second वीडियो में हमने univariate analysis किया. Third वीडियो में हमने multivariate और bivariate analysis किया. ठीक है, अब आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा टूल देखेंगे जो इसमें से बहुत सारा काम ऑटोमेट कर देगा आपके लिए. आपको बस उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है और बस एक पीस ऑफ कोड रन करना है और बिहाइंड द सीन्स काफी सारा हैवी लिफ्टिंग वो लाइब्रेरी आपके लिए कर देगा. ठीक है, जो लाइब्रेरी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पैंडास प्रोफाइलर. एंड ट्रस्ट मी, मैं जब भी कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ मैं हमेशा एक बार इस लाइब्रेरी का हेल्प लेता हूँ. ठीक है, सो अब इस वीडियो में व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट इंस्टॉल द लाइब्रेरी एंड देन आई विल रन द सेम लाइब्रेरी ऑन टॉप ऑफ टाइटैनिक वाला डेटा सेट और मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे क्या होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. सो यू कैन ऑलरेडी सी मैंने एक नया जुपिटर नोटबुक बना लिया है, पैंडास इम्पोर्ट कर लिया है और मैंने अपने डेटा सेट को भी इम्पोर्ट कर लिया है और ये रहा मेरा डेटा सेट. हम कॉन्स्टेंटली टाइटैनिक वाले डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं सो दैट आपके दिमाग में एक आइडिया बैठता जाए. ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू गूगल फॉर पैंडास प्रोफाइलिंग. आपको ये सबसे पहला लिंक मिलेगा pypy.org पे और यहाँ पर यू कैन सी आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने के लिए. ठीक है, सो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू गो डाउन एंड यू हैव टू टाइप दिस कमांड pip इंस्टॉल पैंडास प्रोफाइलिंग. ठीक है, और इसको आप जैसे ही रन करोगे ये कमांड क्या करेगा, आपके इस मशीन के ऊपर इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देगा. ठीक है, इन माई केस यू कैन सी ऑलरेडी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है. अब अगर आपने भी इंस्टॉल कर लिया है तो आपको बस ये कोड लिखना है, दिस इज द कोड. इस कोड को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो आप पैंडास प्रोफाइलिंग लाइब्रेरी से प्रोफाइल रिपोर्ट को इंपोर्ट कर रहे हो, आप प्रोफाइल रिपोर्ट को कॉल कर रहे हो, बेसिकली आप प्रोफाइल रिपोर्ट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो प्रॉफ बोल के और अपना डेटा फ्रेम पास कर रहे हो और फिर आप जो प्रॉफ आपने क्रिएट किया, जो प्रोफाइल रिपोर्ट ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, आप उसको एक फाइल में कन्वर्ट कर रहे हो which is going to be an HTML file. ठीक है, so जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा मेरे इस फोल्डर में यहाँ पर एक HTML file बन जाएगी जिसका नाम होगा output.html और मेरा सारा का सारा एनालिसिस उस HTML file के अंदर ही होगा. ठीक है, so अगर मैं इस कोड को रन करूँ थोड़ा सा टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट, बिकॉज आप थोड़ी देर में देखोगे यहाँ पे काफी सारा चीज आपको पैंडास प्रोफाइलर करके देगा. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है, सो लेट्स वेट फॉर दैट. And guys, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि export हो गया report. अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पर you can see output.html generate हो गया. So अगर मैं इस पर क्लिक करके ओपन करूँ तो guys, this is what pandas profiling will do. So ये क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको एक वेब पेज में सारा का सारा आपके डेटा फ्रेम का रिपोर्ट बना के दे रहा है जो मेजरली इन पांच सेक्शंस में डिवाइडेड है, ओवरव्यू, वेरिएबल्स, इंटरैक्शंस, कोरिलेशंस एंड मिसिंग वैल्यूज. ठीक है, अगर आप ओवरव्यू का बात करो तो ये ओवरव्यू एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में किया था, बेसिक क्वेश्चंस पूछना. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आपको बताया जा रहा है आपके डेटा सेट का स्टैटिस्टिक्स क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स या फीचर्स कितने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने टोटल मिसिंग सेल्स है. ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 12 और 891 तो आपके पास इतने टोटल सेल्स है उसमें से इतने मिसिंग सेल्स है, तो मिसिंग सेल्स का परसेंटेज निकाल के बता दिया. कितने डुप्लीकेट रोज है, झट से आपको पता चल गया डुप्लीकेट रोज का परसेंटेज पता चल गया. मेमोरी में साइज कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, एवरेज रिकॉर्ड साइज इन मेमोरी, हर एक रो आपका कितना साइज ले रहा है. वेरिएबल्स के टाइप बताए हुए, न्यूमेरिक कॉलम्स 5 है, कैटेगोरिकल कॉलम्स 7 है. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग्स भी दी गई है जो आपको याद रखनी चाहिए अगर आप इस डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नेम कॉलम हैज अ हाई कार्डिनैलिटी, मतलब आपका वो कैटेगोरिकल डेटा है बस उसमें कैटेगरीज बहुत सारी है. ठीक है, टिकेट हैज हाई कार्डिनैलिटी, उसमें 681 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है. केबिन हैज हाई कार्डिनैलिटी. ठीक है, फिर यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ कंसर्न इन्होंने निकाल के दिखाया कि एज हैज 19.9% मिसिंग वैल्यूज,
तुरंत आपको पता चल गया कि अच्छा ये गड़बड़ है, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। केबिन हैज 77.1% मिसिंग वैल्यूज, मुझे तुरंत पता चल गया कि इतनी ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं कि मैं केबिन को शायद यूज ना कर पाऊं। ठीक है, पैसेंजर आईडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। उसके बाद पैसेंजर आईडी हैज यूनिक वैल्यूज, नेम हैज यूनिक वैल्यूज, एसआईबी एसपी हैज 608 zeros, ठीक है, फेयर हैज 15 zeros। सो यू कैन सी यहां पर बहुत सारे वार्निंग और कंसर्न आपको तुरंत निकाल करके दे दिए गए। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरव्यू का बात, ये हो गया फर्स्ट पार्ट ओवरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। सो अगर मैं वेरिएबल्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पे वेरिएबल्स में क्या होता है कि आपको यूनिवेरिएट एनालिसिस करके दिया जाता है हर कॉलम के ऊपर, और ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक एक करके, जैसे पैसेंजर आईडी कॉलम के ऊपर मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा बिकॉज वो काम का नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट सर्वाइव्ड। जैसे हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस किया था, आपको याद होगा वहां पर हमें पता चला था कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो हमने काउंट प्लॉट प्लॉट किया था। यहाँ पे देखो वो काउंट प्लॉट ऑटोमेटिकली प्लॉटेड है। ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, 2, मिसिंग वैल्यूज कितनी है, 0, मिसिंग परसेंटेज कितना है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप टॉगल डिटेल्स पे क्लिक कर दो और यहाँ पे और भी बहुत सारे डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, लेंथ कितना है आपके हर आइटम का, 1, और कैरेक्टर इनकोडिंग क्या है, और सैंपल दिखाया है पहले 5 रो का निकाल के। अगर आप कैटेगरीज में जाओ तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, आप अगर वर्ड्स में जाओ तो 0 और 1 है, कैरेक्टर्स में जाओ तो फिर कैरेक्टर्स में और ज्यादा डिटेल्स है, कैटेगरीज, स्क्रिप्ट्स, ब्लॉक्स, खूब सारा डिटेल हर कॉलम के ऊपर दिया गया है। अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल कॉलम का एग्जांपल दूं, जैसे दिस इज अ न्यूमेरिकल कॉलम, यहाँ पर यू कैन सी कि हिस्टोग्राम पहले से बना हुआ है, हमने हिस्टोग्राम बनाया था। डिस्टिंक्ट वैल्यूज 88 है, डिस्टिंक्ट वैल्यू परसेंटेज 12.3 है, मिसिंग वैल्यू 177 है, इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है, मीन एज ये रहा, मिनिमम ये रहा, मैक्सिमम ये रहा, 0, 1 भी नहीं है, और मेमोरी इतना ले रहा है। ठीक है, अगर मैं डिटेल्स में टॉगल करूं तो फिर यहाँ पे काफी सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। मेरा मिनिमम कितना है, मेरा फिफ्थ परसेंटाइल कितना है, मेरा Q1 Q2 जो मेरा 5 नंबर समरी होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैक्सिमम कितना है, रेंज कितना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कर्टोसिस, मीन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, स्क्यूनेस, हमने आपको स्क्यूनेस भी बताया था, सम कितना है, वेरियंस कितना है, मोनोटोसिटी कितना है। उसके बाद हिस्टोग्राम के ऊपर काफी फोकस किया गया है यहाँ पे। ठीक है, कॉमन वैल्यूज दिखाई गई है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा अकर कर रही है। सो 24 सबसे ज्यादा अकर कर रहा है 30 times। ठीक है, 22 उसके बाद। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, मिनिमम 5 वैल्यू ये है और मैक्सिमम 5 वैल्यू ये है, तो आपको आउटलायर्स भी निकाल के दिखाए जा रहे हैं। सो यू कैन सी ये लाइब्रेरी तुरंत से कितना सारा हैवी लिफ्टिंग आपके लिए खुद से कर देता है। नाउ इमेजिन व्हाट यू विल डू इज, आप कोई भी डेटा सेट लोगे और सबसे पहले ये चला दोगे और घंटों बैठ करके इस रिपोर्ट को स्टडी करोगे। ऑब्वियसली जब आप ये रिपोर्ट पढ़ के बाहर निकलोगे तो आपको काफी सारा आइडिया ऑलरेडी हो चुका होगा, राइट? सो एक एक करके आप सारे कॉलम्स को स्टडी कर सकते हो इस तरीके से। मैं अभी सब कुछ नहीं कर रहा बिकॉज इट इज मोर ऑफ कि आप खुद से सीखो रादर देन मैं आपको पढ़ाऊं। नेक्स्ट आपको जो थर्ड सेक्शन है वो है इंटरैक्शंस। इंटरैक्शंस में आपको बाईवेरिएट एनालिसिस करके दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको मान लो एज और फेयर के बीच का एनालिसिस देखना है तो यू कैन सी दिस इज एज एंड फेयर के बीच का एनालिसिस। ठीक है, मतलब किसी भी दो कॉलम्स के बीच में आपको स्कैटर प्लॉट बना के दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप सेम कॉलम के ऊपर करोगे यू विल गेट नथिंग, बट अगर आप दो अलग कॉलम्स के बीच में करोगे तो यू विल गेट अ स्कैटर प्लॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इंटरैक्शंस, ये आपका बाईवेरिएट एनालिसिस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन आपका अगेन बाईवेरिएट एनालिसिस है। यहाँ पे हर कॉलम का, हर कॉलम के ऊपर कोरिलेशन निकाला हुआ है। ठीक है, सो जितना ज्यादा डार्कर शेड ऑफ ब्लू उतना ज्यादा कोरिलेशन। तो यू कैन सी जैसे कि ये एसआईबी एसपी और पेरेंट चाइल्ड में बहुत हाई कोरिलेशन है। ठीक है, सिमिलरली सर्वाइव्ड और फेयर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो तुरंत आपको एक बर्ड आई व्यू मिल गया कि सर्वाइव्ड कॉलम किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा और कौन से दो इनपुट कॉलम्स का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये सब भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अलग अलग कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, सबसे सिंपल वाला पियर्सन होता है जो हम डिफॉल्ट यूज करते हैं, बट यहाँ पे और भी है।
ठीक है, तो आप अगर और थोड़ा एडवांस लेवल पे स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हो तो आप इन चीजों को भी यूटिलाइज कर सकते हो, बट अभी आप सिर्फ पियर्सन से काम चला के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोरिलेशन का डिटेल देखोगे तो यहाँ पे बता देगा कि द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि पियर्सन कोरिलेशन को कैसे हैंडल करना है। सिमिलरली स्पीयरमैन्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है और सारे के सारे कोरिलेशंस का यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए। ठीक है, सो कोरिलेशंस हो गया, तो यहाँ तक आपको आइडिया समझ में आ रहा है, ओवरव्यूज, बेसिक क्वेश्चंस पूछना, वेरिएबल्स, यूनिवेरिएट एनालिसिस, इंटरैक्शंस और कोरिलेशंस इज बेसिकली बाईवेरिएट एनालिसिस। उसके बाद आता है मिसिंग वैल्यूज, ये क्या करता है, ये आपको काउंट बताता है कि हर कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, सो यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पे सब जगह पे पूरी वैल्यूज हैं, एज में 891 के बदले 714 है और केबिन में 204 है, एम्बार्क में 889 है। तुरंत काउंट से समझ में आ गया, मैट्रिक्स से भी समझ में आता है। सो ये मैट्रिक्स एक्चुअली जितना ज्यादा आपको व्हाइटिश दिखाई देगा उतनी ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है, जैसे केबिन में यू कैन सी बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज है। सिमिलरली यू कैन हैव हीट मैप, हीट मैप में यू कैन सी ये तीन ही कॉलम्स में मिसिंग वैल्यूज है और वो आपको दिखाई दे रहा है, और आप डेंडोग्राम के थ्रू भी ये चीज देख सकते हो। अब डेंडोग्राम हम एक फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज अ डेंडोग्राम, इट्स बेसिकली अ क्लस्टरिंग टेक्निक, बट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया मिसिंग वैल्यू, और लास्टली क्या करता है पैंडास प्रोफाइलर कि वो आपको सैंपल रोज भी दिखा देता है। सो सैंपल रोज में फर्स्ट 5 रोज आपको निकाल के दिखाएगा, 10 रोज एक्चुअली, और लास्ट 10 रोज आपको निकाल के दिखाएगा, सो दैट आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया हो जाए अबाउट योर डेटा। ठीक है, अब सी गाइस, द थिंग इज कि आई जस्ट कम ऑन स्क्रीन, सो द थिंग इज कि इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, और यहाँ पे एक्चुअली पढ़ाने का कुछ नहीं है, मैं बस आपको ये टूल दिखाना चाहता था, उसको कैसे यूज करते हैं या फर्स्ट टाइम इसको देखते कैसे हैं वो दिखाना चाहता था, बट ट्रस्ट मी इट इज अ टूल जो आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ज्यादा सीखोगे। सो व्हाट यू शुड डू इज कोई भी एक डेटा सेट उठाओ, जो मैं कंटिन्यूसली पिछले 3 वीडियो से बोल रहा हूँ, कोई भी एक डेटा सेट उठाओ और इस टूल को रन कर दो, और फिर जो आपके पास आउटपुट रिपोर्ट आ रहा है उसको पढ़ने का ट्राई करो, पढ़ने के साथ साथ आप कॉपी में ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसा आप 3-4 डेटा सेट्स के साथ जैसे ही करने लग जाओगे, देन यू विल बिकम कंफर्टेबल एंड देन यू विल बी एबल टू यूज दिस टूल इवन मोर इन अ स्लाइटली पावरफुल वे। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू डू इन EDA, आज लास्ट वीडियो है EDA का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, सो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, इफ सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।